AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मौजूद मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद स्थित इस कब्र को ढहाने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो MNS खुद इसे ध्वस्त कर देगी। MNS का कहना है कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी और क्रूरता से मारा था, आखिर उसकी कब्र को महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा मुहैया क्यों करवा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी के बाद पुलिस ने कब्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को खड़ा कर दिया है। MNS की चेतावनी के मद्देनजर अब औरंगाबाद जिला प्रशासन के पर्यटकों और अन्य स्थानीय लोगों के लिए भी कब्र के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। MNS नेता गजानन काले ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ने कहा था इस मकबरे को गिरा दिया जाना चाहिए, फिर भी अभी तक ये मौजूद क्यों है। काले ने ये भी आरोप लगाया कि इस मकबरे को सुरक्षा मुहैया करवाना हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस औरंगजेब ने संभाजी राजे को बेरहमी से मारा था, जिसने हमारे स्वराज को रौंदने का प्रयास किया था, उसे महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा मुहैया करवा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने के मामले पर जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई।